दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए डेली फ्लाइट जो चालू हो रहा है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि डेली फ्लाइट ही चालू हो रहा है, लेकिन फ्लाइट तो चालू होता ही नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक साल से आप लोग वीडियो देख रहे होंगे कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट शुरू हो रहा है, ये बातचीत हो रहा है। तो क्या क्या बात हुआ एक साल के अंदर, कैसे कैसे फ्लाइट चालू हुआ, अब क्या चालू होने वाला है, कब चालू होने, पूरा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। देखिए पहले क्या हुआ, तो अभी भी जो है बातचीत चल रहा है, जो कि आप लोगों को पता है कि एयर बबल्स फ्लाइट के बारे में बातचीत चल रहा है। अभी फ़िलहाल इन लोगों के लिए बातचीत हो भी गया है, जो अब हेल्थ केयर से जुड़ी हुई आदमी लोग आना चाहते हैं इंडिया से सऊदी अरब, अब वो लोग इंडिया से सऊदी अरब आ सकते हैं, उन लोगों के लिए प्रतिबंध नहीं है। मैं आपको बता दूँ तो आप लोग बोलते हैं ना कि भैया डेली फ्लाइट ही चालू हो रहा है, तो भैया डेली अलग अलग अपडेट आता है, अलग अलग इंडियन एम्बेसी या हर एक न्यूज़ में अलग अलग आता है अपडेट, उस हिसाब से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला बातचीत किसने किया था, इंडिया का जो है सरकार जयशंकर, उन्होंने बात किया था क्या 24 सितंबर को विदेश मंत्री से, ठीक है, सऊदी के विदेश मंत्री से ये फ्लाइट के बारे में कि एयर बबल्स फ्लाइट के बारे में बातचीत करके जो है शुरू किया जाए ये 24 सितंबर को। फिर से देखिए फिर से किसने बात किया, यहाँ के राजा से मोदी जी बात किए, ठीक है, ये कभी के 29 सितंबर को। अब मुझे लगा कि आप लोगों को भी लगा होगा कि बातचीत तो हो गया, फ्लाइट तो ज़रूर चालू होगा, लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या अपडेट आया, उसके बाद ये अपडेट आया कि उसमें उस फ्लाइट में अभी जो फ्लाइट इंडिया से सऊदी अरब के लिए वो लोग आ सकते हैं जिसका इकामा एग्जिट रीएंट्री वीज़ा वैलिड है, वो लोग दुबई जाने लग गए। दुबई 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद वो लोग सऊदी अरब आने लगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर देखिए क्या हो गया, फिर यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस ने कहा कि हम 33 कंट्री के लिए फ्लाइट शुरू कर रहे हैं, जो कि इसमें इंडिया का भी नाम शामिल किया गया था, आप लोगों को बताया था इसमें कि इंडिया का नाम भी शामिल किया था गया था, जो कि मुंबई कोची और दिल्ली से रहने वाला था, ठीक है ना, नवंबर में शुरू होने वाला था ये सऊदी एयरलाइन ने कहा था। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर आदमी लोग पूछने लग गए कि भाई ये जो दिल्ली मुंबई से फ्लाइट रहने वाला सऊदी एयरलाइंस का, इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे सऊदी एयरलाइन ने डायरेक्ट ट्वीट करके बता दिया कि इसमें एग्जिट रीएंट्री विजिट वीज़ा वाले हर एक आदमी आ सकते हैं। फिर क्या हुआ, फिर ये ट्वीट सब जो है डिलीट हो गया। अब क्या अपडेट आया, तो यहाँ पे फिर से एक बार न्यूज में आया कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वर्तमान में सऊदी अरब के राजदूत ने आश्वासन दिया है कि कंपनियों द्वारा, मतलब कि नवंबर तक वेट करना होगा जो लोग को अभी जाना है सऊदी अरब, जिन लोगों का वीज़ा वर्कर जो जाना चाहते हैं वो नवंबर तक वेट करना होगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों नवंबर आ चुका है, नवंबर आते आते उस दिन क्या हुआ, तो देखिए 16 नवंबर को एक अपडेट आया है, जो कि यहाँ पे लिखा गया था कि स्वास्थ्य क्षेत्र द्वितीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए आज मानव संसाधन से बातचीत किए श्री राम प्रसाद सिंह है, श्री राम प्रसाद सर जो है इंडिया का मंत्री वो आए, तो उन्होंने बात किया, ये अपडेट आया कभी 16 नवंबर को। फिर क्या हुआ, फिर हमें आते आते जो है 18 तारीख को फाइनल एक डिसीजन आया, उसमें बताया गया कि मिशन के अध्यक्ष डी एन राम प्रसाद ने जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन GCA के टीम के साथ चर्च की, मतलब फ्लाइट के बारे में जो बैन लगा गया है वो किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप समझ गए कि एक साल में जो है फ्लाइट एक चालू करवाने के लिए कितना आदमी ने बात किया, ये आप सोच सकते हो। अब लास्ट में क्या अपडेट आया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इंडियन एम्बेसी ने बताया कि गुड न्यूज, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ये गुड न्यूज है। फिर भी ये मैं तो मानता नहीं कि ये गुड न्यूज है, अगर हर एक आदमी के लिए चालू हो जाता जैसे एग्जिट री एंट्री न्यू वीज़ा वाले, हर एक आदमी परेशान है, अपना अपना वीज़ा निकाल के पैसा फंसा के परेशान है, उन लोगों के लिए जिस दिन दोस्त चालू हो जाएगा उस दिन हम समझेंगे गुड न्यूज, लेकिन फिर भी इंडियन एम्बेसी कह रहे हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि गुड न्यूज आफ्टर मिशंस इफेक्ट इफ़र्ट्स सऊदी अरबिया इज नाउ प्राइमरी, मतलब कि हेल्थ केयर के लोग जो आना चाहते हैं हॉस्पिटल में काम करते हैं वर्कर फैमिली, वो लोग अब इंडिया से सऊदी अरब आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उन लोगों के लिए भी अभी पूरा डिसीजन नहीं हुआ है कि इन लोगों के लिए फ़्लाइट कौन सा लेकर के आएगा, कितने का टिकट रहेगा, कब फ्लाइट चालू होगा, अभी तक भी नवंबर आ चुका है, अभी तक भी पूरा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि भाई एक साल से डेली फ्लाइट ही चालू हो रहा था, दोस्तों आप सोच सकते हो कि एक साल में कितने मंत्री इंडिया के बात किए, कितने लोगों ने बात किए, उसके बाद जा करके अब जो है एग्जिट री एंट्री वीज़ा वाले आ रहे हैं, अब हेल्थ केयर के आदमी लोग आएंगे, उसके बाद देखिए नवंबर आएगा, जनवरी तक मुझे लग रहा है
कि जितने भी लोग हैं बातचीत करते करते मुझे लग रहा है कि वो लोग आ सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग समझ गए कि 1 साल में इतना लोगों ने जो है बातचीत किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो में आप पूरा समझ गए कि 1 साल से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।